हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। इस माध्यमिक शाला में अंग्रेजी के शिक्षक अपनी ज्यादा विद्यार्थियों वाली कक्षा में अनौपचारिक आकलन के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू नो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का ढांचा भी हम लोग समझेंगे एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंड? विद्यार्थियों को पाठ समझ में आया या नहीं, यह जानने के लिए शिक्षक पाठ के अंत में विद्यार्थियों से नाम रहित फीडबैक लेने की योजना बनाते हैं। हमें क्या क्या समझ में आ गया, तीसरा क्या लिखेंगे, पूरी तरह से समझ नहीं पाए, बिना नाम लिखे जब आपका यह क्लास खत्म हो जाएगा तो इस डिब्बे में डालेंगे। ये तुम्हारी परीक्षा ही नहीं है बल्कि क्या है, हमारी भी परीक्षा कि हम समझा पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। पाठ में शिक्षक ने विद्यार्थियों को सही और गलत के चिन्ह वाले कार्ड बनाने के लिए कहा है। वह चाहते हैं कि विद्यार्थी अगर सोचते हैं कि उत्तर सही है तो सही का निशान, और अगर सोचते हैं कि उत्तर गलत है तो गलत का निशान ऊपर पकड़ कर दिखाएं। इस तरह कक्षा में चारों तरफ देखकर वह जल्दी से उनकी समझ की जांच कर सकते हैं। अगर सभी विद्यार्थी कार्ड्स देख सकते हैं तो वे अपने उत्तर की तुलना अपने साथियों के उत्तरों के साथ कर सकते हैं। मोहन इज अ सब्जेक्ट, वर्ब्स ड्राइव्स वर्ब्स, आकार ऑब्जेक्ट। राइट, मोस्टली स्टूडेंट हैं शोइंग कार्ड। राइट, आगे विद्यार्थी अंग्रेजी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म पर एक गतिविधि करते हैं। उन्हें समूहों में बांटा गया है और उन शब्दों वाले कार्ड्स दिए गए हैं जिन्हें उनको वाक्यों में इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षक कैसे हिंदी का इस्तेमाल करते हैं और विद्यार्थियों की समझ व भागीदारी की जांच करने के लिए कैसे उनकी निगरानी करते हैं। एक लड़का लिखेगा, दो लोग जो हैं उसको यदि गलत है तो उसको सही करेंगे। सम सब्जेक्ट डस ड्रॉस आ डस वन आ पिक्चर्स ऑब्जेक्ट। सीता सब्जेक्ट बॉट मी वर्ब एड्रेस ऑब्जेक्ट। पहले जो हमने ये क्वेश्चंस दिए थे इसका आंसर आप लिखिए। अब समय है कि विद्यार्थी अपना नाम रहित फीडबैक दें। विद्यार्थी जो बताएंगे उसका उपयोग शिक्षक अंग्रेजी के अपने आगे के पाठों की योजना बनाने के लिए करेंगे। लिखा तो आंसर तो लिखिए। Drop into this box and go silently one by one। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मैं मानता हूँ कि उसको जो है लगभग 75% से असेसमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि 70-75% जो है बच्चों ने इसको समझ लिया है। सर ने पर्चे लिखवाए हैं, ये अच्छा तरीका था, पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को समझ में आया और कितने को नहीं। इससे पर्चियों में लिखा होगा, अधिकतर बच्चों ने जिन्हें समझ में आया होगा उन्होंने ज़रूर लिखा होगा और जिन्हें नहीं समझ में आएगा उन्होंने नहीं लिखा होगा। लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है जो हम बताएंगे वो पूरे बच्चे समझ जाएंगे। वैसे अधिकांश लोग समझ गए हैं, लेकिन जो 20-25% की जो ये शिकायत कि हम समझ नहीं पाए हैं तो उन्होंने विशेष रूप से इंडिकेट किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने में उनको प्रॉब्लम आई है। इसमें हम पहले तो ये देखेंगे जो चीज़ नहीं समझ में आया है उसको थोड़ा सा हम अपने टीचिंग में थोड़ा और मॉडिफाई करके समझाने का उनका और तरीका अपनाएँगे, और साथ में जो आगे नेक्स्ट लेसन आएंगे उनमें भी हम असेसमेंट इसी तरह का रखेंगे। शिक्षक ने आकलन के कई ऐसे तरीके इस्तेमाल किए हैं जो विद्यार्थियों को शर्मिंदगी या संकोच नहीं महसूस करवाते।
अपने पाठ में विद्यार्थियों को अपने सीखने का मूल्यांकन खुद करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु आप इस तरह के विचारों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?